हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं और इन्हें रामायण बनानी है। इतने खाए हैं इन्होंने, बट क्या क्या सब समझ लो कि अब कोई ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं कर। और क्या फाइनली अब न्यूज आने लगी है कि सारे थिएटर्स खाली हैं। ओहो, और ये न्यूज मैंने यूएस में पढ़ी है। एक क्रिटिसिज्म आया था कि इवेंचुअली लोग एग्री नहीं कर रहे जो तुमने बनाया है, बोगस है। अब जो है थिएटर्स एम्प्टी ना, और लोगों ने कहना शुरू किया है कि अब हनुमान जी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा थिएटर खाली मिलेगा, जहाँ मर्जी बैठें, जो मर्जी करें। और मैंने ये भी सुना है कि कोर्ट में भी इनको जो है अब बुलाया जा रहा है और इनको पड़ेगी डांट। राइट। और मैं कह रही हूँ खाली डांट नहीं, ये मूवी होनी चाहिए बैन। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि इट इज़ इंसल्ट टू आर गॉड। हमारे भगवान जी की इंसल्ट के किसी की हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो बहुत गुस्सा है भैया। और जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था यहाँ पे, उसमें ये भी लिखा था कि उसके बाद जो डायलॉग राइटर हैं उनके डायलॉग आर बीइंग कॉल्ड छपरी के लिए। और इवेंचुअली जब उनसे पूछा गया कि आपने ने छपरी क्यों लिखे, तो वो बता रहे हैं मैंने ऐसे ही इंटेंट किया था। लोग और भड़क चुके हैं कि ये क्या इंसल्ट, अपोलोजाइज करो, तुम छपरी बोलो। और ये जो बातें सारी हम लोग बोल चुके हैं, मीडिया में बातें हो चुकी हैं, अब जाके वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में भी ये पूरी चीज़ें आ रही हैं। और ये कौन बोल रहे है? थिएटर ओनर्स। गुड। थिएटर ओनर्स जिन्होंने राइट्स खरीदी थी वो बोल रहे हैं हमारा अब लॉस हो रहा है, तुम्हारी मूवी लगाने के बाद हमारे पूरे खाली जा रहे हैं, इतना हमने ह्यूज लॉस हुआ। अब उनको गुस्सा आ रहा है कि ये क्या बकवास तुमने मूवी बनाया, तुमने हमें बोला था कि ये रामायण पे बेस्ड है, ये कभी जा ही नहीं सकती, इसलिए लोगों ने फटाफट राइट्स ले ली। उन्होंने लोगों को ये बोल के बेचा है कि ये तो रामायण है तो हर कोई देखेगा। बहुत झूठ बोला है उन्होंने, तो इंसल्ट की है। मैं कह रही हूँ इंसल्ट की है। मेरे को अंदर से मैं वर्ड्स नहीं है मेरे को अपना गुस्सा दिखाने के। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? अच्छा, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? ठीक है। क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? ठीक है, समझिया। तो इसका सीधा जवाब ये है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। ले, 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 ले। क्या? मतलब बंदे ने पूरी रामायण को छपरी डायलॉग से भरकर रख दिया है। दो तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। हनुमान जी को पिटते हुए दिखाया गया है। सोने की लंका को ब्लैक होल बनाया हुआ है। शिव भक्त रावण को रुद्राक्ष तोड़ते हुए दिखाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बंदों का कहना है जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। और जब लोगों ने आदि पुरुष देखने के बाद बंदों को पेलना शुरू किया, जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है। आमी मानुस दो दिन में पलट गया। मतलब बंदे साल भर से आदि पुरुष का रामायण के नाम पर प्रचार करते आ रहे थे और जब लोगों ने इसे धिक्कारते हुए बैन करने की मांग की तो बंदे एक झटके में पलट गए। पहले आदि पुरुष के नाम पर रामायण बना रहे थे और अब हमने रामायण नहीं बनाई है। अरे क्या क्या इसका क्या करूं? जिस तरीके से इन बंदों ने रामायण को आदि पुरुष में दर्शाया है, स्क्रिप्ट लिखने से पहले बंदों की चर्चा भी ऐसी रही होगी। कुंती ने पांडवों से शादी की थी। अच्छा? रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं, अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही, द्रोही। अबे द्रौपदी, क्योंकि भाई कोई भी पात्र कोई भी सीन रियल रामायण से मैच ही नहीं खा रहा। बंदो ने हर जगह अपना ही अलग तड़का लगाया हुआ है। मेघनाथ को टैटू मैन बनाकर रख दिया है, राम जी को जीसस, रावण को बिना मुकुट के छपरी बनाकर रख दिया है और हनुमान जी को कंट्रोल, और तो लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है तो संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी कौन देता है? विभीषण की पत्नी। और जब आदि पुरुष के लेखक से ये प्रश्न किया गया तो बंदे का कहना था भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो उनको संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? विभीषण की पत्नी। अरे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ये किस रामायण का संदर्भ है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो पात्र है और जो चरित्र है इसके लिए आपको ओम राउत से बात करनी होगी। और उधर ओम राउत बंदा जब से ऑडियंस की रडार पर चढ़ा है अंडरग्राउंड ही चल रहा है। और क्यों? क्योंकि बंदे का पुराना जो वायरल हो गया जिसमें ओम राउत का कहना था क्या भगवान हनुमान बह रहे थे, मेरी बिल्डिंग के लोग यही सोचते हैं, हनुमान जयंती पर तेज म्यूजिक बजा रहे हैं। अब भाई एक तरफ बंदे को हनुमान जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी करनी है और दूसरी तरफ बंदे का कहना है सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। भाई बंदे ने हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखने को क्या कहा? लोग ये कहते हुए पूरा थिएटर ही खाली छोड़ रहे। ये बिग गया सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब भेजो
मिलके पागल बना रहे हैं हमको भाई। आदि पुरुष के कास्ट पहले ही अंडरग्राउंड चल रहे थे, ओमराव ट्वीट वायरल होने के बाद अंडरग्राउंड हो गया। अब बचा मूवी का लेखक मनोज मुंतशिर, तो मूवी प्रमोशन की सारी कमान उसी के हाथों में सौंप दी गई। लेकिन बंदा इससे पहले आदि पुरुष का बचाव करता, बंदे ने नया ही विवाद खड़ा कर दिया। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त है। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। हाँ, बजरंगबली भगवान नहीं है, रावण ब्राह्मण नहीं है, लंका सोने की नहीं है, और तो ये सोफा सोफा नहीं है, दरवाजा नहीं है, ये पैंट पैंट नहीं है, ये अजय देवगन नहीं है। मेरे को मतलब बंदे ने जब से आदि पुरुष के लिए लेखन किया है, बंदा पूरी तरह मानसिक संतुलन खो बैठा है। शिव जी के अवतार हनुमान जी भी इसे भगवान नजर नहीं आते। भांग पीकर आए कुत्ता भरी दोपहरी में, वो दिन दूर नहीं जब बंदा आने वाले टाइम में ये तक कह दे हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। क्योंकि बंदा बचपन से ही मुगलों से इस कदर प्रेरित रहा है कि इसे कभी ना हिंदी रास आई ना कभी हिंदू देवी देवता। और ये मैं नहीं कह रहा, बंदा अपने बचपन के किस्से सुनाकर खुद अपना इतिहास खोल रहा है। पापा सुबह सुबह उठ के शिव स्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में, बगल में मनोज मुंतशिर ने लगाया होता था ख्याले गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। अब तो भाई आप समझ ही चुके होंगे कि आदि पुरुष के डायलॉग विवादित क्यों लिखे गए, क्योंकि मूवी बेस्ट थी रामायण पर, और इसके दिमाग में क्या रहता है या रसूल अल्लाह। मैंने बहुत से बंदे देखे पर इसके जैसा दोगला और फर्जी बंदा आज तक नहीं देखा, जो बड़ी मासूमियत से हिंदुओं का काटता आ रहा था। अभी इसकी आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई है तो बंदे का कहना है, जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। अच्छा, और यही बंदा कुछ सालों पहले मुगलों को लेकर कहता फिर रहा था, एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं 2 मिनट बात करूंगा बगैर उर्दू के तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। हमारी साझी विरासत है, जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतने ही अकबर हमारे हैं। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए। भाई आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मनोज मुंतशिर कभी मनोज शुक्ला हुआ करता था, लेकिन बंदे के ऊपर उर्दू का इस कदर भूत सवार था कि बंदे ने नाम के पीछे से शुक्ला हटाकर अरबी शब्द मुंतशिर रख डाला। और जब लोग इससे इसके बारे में पूछते तब ये कैसा नाम है, ये चुप साले गुंडे बदमाश, बाप का नाम जावेद चौरसिया, माँ का नाम अरे मुमताज देवी, अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद। अरे भाई इस बंदे की हराम जादगी देखो, खुद का नाम हिंदी से बदलकर अरबी भाषा में रख लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया जाता है तो बंदे को तुरंत प्रॉब्लम हो जाती है। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ होती है, उतर आए ना औकात पे। अब भाई ऐसे मुगल प्रेमियों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो, ये तो अपने तरीके से रामायण दिखाएंगे ही, वो तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि एक ऐसी मूवी क्यों देखनी चाहिए जिसमें हमारी रामायण के साथ खिलवाड़ किया गया हो। भाई आदि पुरुष का शायद ही कोई पात्र होगा जो लोगों को पसंद आया हो, हर तरफ लोग आदि पुरुष मेकर्स को गालियां दे रहे हैं, जिन्हें सुनकर आदि पुरुष मेकर्स भाई लोग हैं हम बांट के खाएंगे, 50 में खाओ 25 तू खा लेना, भाई बची 25 गालियां घर ले जाएंगे वो तुम लोग खाओगे तुम लोग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सच बताऊं गुस्सा आ रहा था अंदर से, गुस्सा आ रहा था, और जैसी जब इन्होंने दिखाई पुरानी वीडियोस तो मुझे तो ये दिमाग में आ रहा था आप लोगों को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, वो पैसा और फेम के लिए कैसे कुछ भी बोल देते हैं। कहाँ हमने इनकी इतनी वीडियोस देखी जिससे लगा यार इनकी टूवर्ड्स हमारे हिंदू गॉड्स, हमारे लीडर्स जो हैं कई उनके लिए इनका कितनी रिस्पेक्ट है, कितना अच्छा लिखते हैं, हमें तो इतना वो लगा। और अभी पीछे का देखो तो कहाँ पे कह रहे हैं कि जी हमें मुझे तो इसमें तकलीफ होती, और जो नाम बोला कि शुक्ला से चेंज करके किया, और कहाँ बता रहे हैं कि मेरे फादर ये बजाते थे और मैं तब वहाँ पे साइड में ये बजाता था। देख लो कि कैसे देखा कि जो पब्लिक है उस वो का किस तरह डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में चलो और उनको बेवकूफ बनाओ। कहाँ एक तरफ बोला कि भैया हम तो पूरी वैसी की वैसी रामायण बना रहे हैं, और अब इतनी गंदी इंसल्टिंग पाप की है, मैं कहती हूँ वो पाप करके बोलते हैं हमने तो रामायण बनाने की कोशिश ही नहीं की थी, हम तो इंस्पायर्ड होते, ये तुम इंस्पायर्ड हुए थे, और ये भी वही वर्ड यूज कर रहे थे छपड़ी छपड़ी करके, हम तो बोल रहे थे टपोरी, इन्होंने छपड़ी वर्ड यूज किया, सब लोगों ने छपड़ी बोलना शुरू कर दिया कि डायलॉग्स बोले छपड़ी, बहुत गंदे, बहुत। इन्होंने बहुत अच्छा मतलब बताया कि उनका नाम जो है मुंतशिर, मुंतशिर जो है मुझे लगता था हिंदी का, वो हिंदी का नहीं है, कह रहे हैं उर्दू या अरेबिक का डेरिवेशन है, तो शुक्ला से चेंज कर नाम वो चेंज किया हुआ है। क्यों भाई उनको प्रॉब्लम हो रही है इलाहाबाद नाम हटाने की वजह से, फिर वो कह रहे हैं कि अकबर भी उतना ही है जितना और अभी कुछ बोले पहले कुछ बोले हुए, काफी मतलब चेंजेस आ गए हैं अपनी सोच में, और सोच में चेंजेस नहीं आए हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने जिस तरफ डायरेक्शन जा रही थी उसी तरफ चले गए, उसका बोल दिया।
तो और लोगों ने इतना एनालाइज करके फिर धीरे धीरे निकाला कि एक बार ये कहा था, एक बार ये कहा था, तो ये सब नज़र आ रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और इवेंचुअली मतलब सभी लोग इसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि ठीक है ओम राउत ने गड़बड़ की थी, मगर तुम जो इतने अच्छी पोएम्स बोलते हो, इतना कुछ बोलते हो, तुमने भी गलती कर दी। फिर उन्होंने गलती नहीं कि मैंने ऐसे बनाया, तो रियली ये बनाया, तो ये बात क्या है? तो मतलब मल्टीपल लेवल्स पे इन्होंने गलतियां कर दी, मल्टीपल लेवल्स पे। गलती नहीं कि गुनाह किया, गुनाह पाप किया है। तो चलो आबिश अगर ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।